झारखंड के कोडरमा जिले के तिलैया पुलिस ने फेसबुक पर विदेशी लड़की का प्रोफाइल बनाकर लोगों को ठगी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई थी। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि तिलैया थाना क्षेत्र के ICICI बैंक गली सामंतो पेट्रोल पंप के पीछे शंकर मोदी के मकान में बिहार से आए कुछ युवक फेसबुक के माध्यम से लोगों से ठगी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर तिलैया पुलिस ने शंकर मोदी के मकान में छापेमारी की। इस दौरान मकान से 5 लड़के मोबाइल पर चैट करते हुए पाए गए। मोबाइल की छानबीन करने पर पुलिस को कई लोगों से चैटिंग का रिकॉर्ड, चैटिंग से मंगाए गए रुपए का ब्योरा पाया गया। पुलिस पूछताछ में युवकों ने बताया कि उनके द्वारा फेसबुक पर विदेशी लड़की के नाम से अकाउंट बनाकर लोगों से चैट करके विदेश से गिफ्ट भेजने के नाम पर कस्टम ड्यूटी के रूप में पैसे की ठगी करते हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिहार के नालंदा जिला अंतर्गत थाना सिलाव निवासी सूरज कुमार, नवादा जिले के वारसलीगंज थाना निवासी गौतम कुमार, गया जिले के थाना अत्री निवासी शंभु शंकर, अंकित कुमार और राजेश कुमार के रूप में की गई है। पुलिस ने इनके पास से 13 मोबाइल बरामद किए हैं। इसके अलावा अलग से 5 सिम कार्ड, 2 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक का ATM कार्ड सूरज कुमार के नाम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM कार्ड, इंडिया पोस्ट का ATM नुमा पासबुक, स्टेट बैंक का ATM कार्ड, 4 GB का सैंडिस्क, कंपनी का पेन ड्राइव, 2 नोटबुक, एक काले रंग की अपाचे मोटरसाइकिल व एक नीले रंग की अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के द्वारा जब्त किए गए मोबाइल में 2 लोगों से ठगी करने का रिकॉर्ड पाया गया है, जिनमें एक व्यक्ति चमन सिंह से 90,000 एवं एक सूर्यकांत मिश्रा से 4,500 की ठगी की गई है। इसके अलावा कई लोगों के नाम ब्लॉक लिस्ट में और उनके मैसेज डिलीट पाए गए हैं। मामले को लेकर तिलैया थाना में IT एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए गिरफ्तार 5 अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है।